माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आइए आज हम लोग क्लास 11 का लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। और ये लेक्चर वीडियो आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड, मतलब कि बिना फार्मूला उपयोग किए हुए कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड बिना फार्मूला के उपयोग किए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7। और ये कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी का? वेक्टर। और ये चैप्टर नंबर 4 है। माय नेम इज सुब्रत दुबे एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल नेम डायनेमो फिजिक्स। और ये लेक्चर वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेईई और नीट की। तो आइए सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये कौन सा मेथड है? एनालिटिकल नहीं, कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसका डिफिनीशन भी लिखवा देंगे और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट भी लिखवा देंगे कि लास्ट में आप लोग पहचानेंगे कैसे, किस ट्रिक से जानेंगे कि यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है कि हमें यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाना है। तो आइए सबसे पहले मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉक्स रख दिया गया है। अब जब इस सरफेस पर एक बॉक्स रख दिया गया है तो आप उस बॉक्स को, मान लीजिए यहाँ कोई लड़का है और ये उस बॉक्स का सेंटर है, तो यहाँ कोई लड़का है और इस बॉक्स को क्या कर रहा है? फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है पहले, और इस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे? यह F1 फोर्स दे देंगे। और फिर इसी पॉइंट पे कोई दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब जब ये दोनों बच्चे एक बॉक्स को खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, तो ये बॉक्स कहां किधर मूव करेगा? तो आप लोग का आंसर होगा, और ये दोनों फोर्स इक्वल रूप से लगा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ये F1 फोर्स से खींच रहा है, ये अपनी तरफ F2 फोर्स से खींच रहा है। तो ये बॉक्स किधर की तरफ मूव कर जाएगा? ये बॉक्स ना F1 की तरफ मूव करेगा ना F2 की तरफ मूव करेगा, ये बॉक्स मूव कर जाएगा सीधे, और इसका डायरेक्शन क्या है? रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव कर जाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट फोर्स कहेंगे या कॉन्करेंट वेक्टर, जब दो या दो से अधिक वेक्टर किसी सेम पॉइंट से लगाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये टाइप्स ऑफ वेक्टर का पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट हमने ऐसे बना दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको कुछ इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन कर देंगे तो ये पहला साइड, दूसरा साइड, और ये तीसरा और ये चौथा, इस प्रकार से इसमें चार साइड भी बन गए। और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसमें फोर साइड्स होते हैं और पैरेलल साइड क्या होते हैं? अपोजिट और इक्वल होते हैं। तो आइए अब हम आशा करता हूं कि आप लोगों को ऐसे समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा? रिजल्टेंट के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद कुछ इसमें और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो देखिए डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डिफिनीशन अक्सर आपको बुक में भी मिल जाएगा लेकिन एग्जैक्ट डिफिनीशन हम बता रहे हैं आपको क्या हो जाएगा। इफ टू वेक्टर्स If two vectors are represented at two adjacent sides, ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में भी देखा होगा और उसके पिछले क्लासों में देखा होगा कि पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द
और यहां पर एक बात और ब्रैकेट में लिख लेंगे, ज्वाइन टेल टू टेल, मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे ज्वाइन होने चाहिए, टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए, देन द रिजल्टेंट then the resultant of the vector is represented by the diagonal of the then the resultant of the vector is represented by diagonal of the parallelogram. और diagonal हम कहां से draw करेंगे, जहां पर ये दो vector आपस में intersect कर रहे होंगे, इन दो vector के tail आपस में intersect कर रहे होंगे, तो वहां से हम क्या करेंगे, diagonal को draw करेंगे। अब ये आप लोग जल्दी से note कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसमें कुछ important, note करके वो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब मान लीजिए, और यही क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कुछ दिया गया है, मान लीजिए ऐसे कोई दे दिया गया कि ये वेक्टर ए है, और यहां पर दिया गया कि ये वेक्टर बी है, और कहा गया आपसे कंपल्सरी कहा गया कि ये मैंडेटरी हो गया कि आप इन दो वेक्टर को ऐड करके दिखाइए बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो आप क्या करेंगे, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर दिए गए, ये मान लीजिए एक वेक्टर ए हो जाए और दूसरा वेक्टर ये क्या हो जाए, ये हो जाए वेक्टर बी, और ये दो वेक्टर को हमने क्या किया, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये वेक्टर यहां पर टेल से टेल ज्वाइन हो गए, तो इनके टेल से एक रिजल्टेंट निकलेगा, और वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक, ये डायगोनल क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये रिजल्टेंट कैसे शो किया जाएगा, वेक्टर आर से शो किया जाएगा। और एक बार पैरेललोग्राम की है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा, और ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब इसी के नीचे आप लोग नोट्स करके लिख लीजिएगा, पहला क्या लिखेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें लगाना है, व्हेन टू वेक्टर आर ज्वाइन, जब दो वेक्टर ज्वाइन किए जाएंगे टेल टू टेल, तो ये वेक्टर क्या हो जाएंगे, यहां पर कौन सा लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब कोई पूछ ले कि वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पहले बताइए वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो यहां पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मॉड आर लिख सकते हैं। अगर ये कोई पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, मतलब जो डायगोनल का लेंथ है वही क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और कोई तीसरी बात इसी में आपसे पूछ ले कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर क्या बताएंगे, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, यहां से देखिए ये रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या बनाएगा, थीटा। तो अब हम पूछ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ आर, तो डायरेक्शन ऑफ आर क्या हो जाएगा, अल्फा, मतलब जो वेक्टर ए है और वेक्टर आर के बीच में कितना एंगल बनाएगा, अल्फा, तो डायरेक्शन ऑफ आर लिख देंगे अल्फा, और अल्फा किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए के। तो ये कुछ हो गई इंपॉर्टेंट बातें, किसके रिस्पेक्ट में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन में, और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन उसका, जब दो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन होने चाहिए तब वहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई पूछ ले वेक्टर आर का मॉड बताइए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो इसकी लेंथ होगी वही उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, और डायरेक्शन ऑफ आर क्या हो जाएगा, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आइए इस पे बेस कुछ हम क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब किसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, पहला क्वेश्चन है ए बॉय मूव्स, एक क्वेश्चन जबकि हमने करा रखा है कहां पर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने करा रखा है। तो यहां पर देखिए ए बॉय मूव्स 3 मीटर ईस्ट, एक लड़का है जो 3 मीटर ईस्ट चलता है, एंड देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड मूव 90 डिग्री एंड मूव 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, तो क्या कहा गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट विथ डायरेक्शन, तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है विथ डायरेक्शन के रूप में। तो यहां पर देखिए ये है, मान लीजिए कोई लड़का है, अब सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो पास करके एक बार सोल्यूशन जरूर करिएगा और फिर आंसर को मैच करिएगा और बताइएगा आंसर सही है या गलत है। तो मान लीजिए कोई लड़का है, वो यहां से चला 3 मीटर ईस्ट, यहां से इधर की तरफ आया और फिर यहां से लेफ्ट टर्न लेके वो इधर की तरफ मुड़ गया, क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है कि यहां पर पैरेललोग्राम लॉ पढ़े तो हम पैरेललोग्राम से ही इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम इसको क्या कर सकते थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो आपको पता है कि ये फिर नॉर्थ की तरफ मूव कर गया और नॉर्थ की तरफ कितना मूव किया, 4 मीटर, तो इसका रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा, दो वेक्टर के टेल से टेल की तरफ हम जहां पर ज्वाइन है वहीं से डायगोनल बना देंगे इस पैरेललोग्राम का। तो देखिए ये हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ ले इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो बहुत बच्चों को अभी कंफ्यूजन होगा कि इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर ये है 3 मीटर तो ये भी हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है, थोड़ा सा फिगर पे कम जाइएगा, और फिर ये है 4 मीटर तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये एंगल क्या है, ये अब ये हो गया हाइपोटेनस बाय पीजीटी, और बाय पीजीटी हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर आर, तो वेक्टर आर हमें मिल जाएगा 5 मीटर। या आप लोग यहां पर कर सकते हैं बाय पीजीटी, ये सब क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, वहां पर हमने 6 मीटर लिया था और 8 मीटर लिया था, और जो रिजल्टेंट आया था वो 10 मीटर आया था। अब देखिए जब यहां से पीजीटी हम लगाएंगे तो पीजीटी में हमको पता है ये हो जाएगा वेक्टर आर, और वेक्टर आर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये मान लीजिए ओपी हो गया और ये हो गया बी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर का होल स्क्वायर प्लस 4 मीटर का होल स्क्वायर, तो वेक्टर आर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो वेक्टर आर किसके बराबर हो गया, √25 के, और ये किसके बराबर हो गया, 5 मीटर के। तो हमारा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड तो आ गया, और मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड हमें मिल गया वेक्टर आर का 5 मीटर। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए एक अलग से हमने लेक्चर वीडियो बना रखा है, और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि डायरेक्शन हम किसी भी वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस ट्रायंगल है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, जो बच्चे पढ़ रखे हैं या कहीं से देखे होंगे या हमारे लेक्चर वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, और बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। तो ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन हम लिखेंगे, अब देखिए अब हम पूरा वेक्टर आर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेक्टर आर जब लिखेंगे तो वेक्टर आर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को वेक्टर आर का अगर आंसर पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं 5 मीटर, 5 मीटर ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या बताएंगे, ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो 37 डिग्री
ईस्ट ऑफ किसकी तरफ जा रहा है उसको पहले लिखते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं ताकि आज आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और ये डायरेक्शन वाला पार्ट अगर आपको देखना है तो हमारे लेक्चर वीडियो में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। चलिए लिख लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बाद ही हम बताएंगे कि कब कोई दो वेक्टर आपस में इक्वल होता है, कब नहीं होता है। तो मान लीजिए ए बॉय मूव्स 5 यूनिट इन नॉर्थ डायरेक्शन। एक लड़का है जो 5 यूनिट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, एंड विथ और कोई लड़का बी है, एंड बॉय बी, ये बॉय कौन था? ए था, ये बॉय ए हो गया, एंड बॉय बी मूव विथ सेम मैग्नीट्यूड इन ईस्ट डायरेक्शन। अब फाइंड क्या क्या करना है, देन फाइंड पहला चीज क्या फाइंड करना है, फिर दो बातें फाइंड करनी है। बॉय ए मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो बॉय का ए इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, और दूसरा क्या फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमें फाइंड करना है। अब इसे अच्छा बॉय हटा दीजिए, लिख लीजिए वेक्टर ए यहां पर आप लोग डायरेक्ट वेक्टर ए मूव्स 5 यूनिट इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड वेक्टर बी मूव्स विद सेम मैग्नीट्यूड इन ईस्ट डायरेक्शन, फाइंड वेक्टर ए प्लस बी। अब आइए अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां से। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, वो 5 यूनिट चला नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। अब फिर मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, वो चला विद सेम मैग्नीट्यूड इन ईस्ट डायरेक्शन। अब जब ये सेम मैग्नीट्यूड के साथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका हमें रिजल्टेंट कहां मिलेगा, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये हो जाएगा, दो वेक्टर के टेल से टेल हम जहां ज्वाइन हुए वहीं से रिजल्टेंट बना देंगे। अब इसका रिजल्टेंट आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए, यहां से हम क्या करेंगे, बाई पीजीटी इस्तेमाल करेंगे। अब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये 5 है, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब हम देख लेंगे, वेक्टर आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो वेक्टर आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 50, और रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 into 2, और 25 into 2 किसके बराबर हो जाएगा, 5√2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर मॉड लेते हैं, मॉड का मतलब क्या हो जाएगा कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा आर वो क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, और ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड आया। अब आपसे पूछा क्या गया है, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहां से आपका आंसर मिल गया, क्या मिला पहला कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 5√2 यूनिट। लेकिन अभी आंसर में क्या कमी है, अब हमें बताना है डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि आंसर ये पूछा है, तो डायरेक्शन ये देखिए, इसको मान लीजिए ये वेक्टर ए है, और इसको मान लीजिए ये वेक्टर बी है, मानना क्या है, दिया भी हुआ है,
तो वेक्टर ए के साथ हमने बताया था कितना एंगल बनाता है अल्फा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें अल्फा चाहिए एंगल, तो हम यहाँ पर टैन अल्फा का इस्तेमाल कर लेंगे। और टैन अल्फा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 5, तो टैन अल्फा किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ गया 45 डिग्री। तो यहां से आपका डायरेक्शन भी मिल गया 45 डिग्री, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमने डायरेक्शन इन डिटेल पढ़ाया, और ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा 5√2 units एंड 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, या एन ई लिख देंगे, और ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर। और इसी आंसर को आप फार्मूले से भी पा सकते थे, और देखिए बाय ग्राफिकल मेथड भी हमें ये आंसर मिल गया। अब हम बात करते हैं इन डिटेल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैसे मिलेगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, समझ में आया ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये 5√2 और ये 45 डिग्री, कैसे हमें मिला अल्फा से, टेन अल्फा हमने बताया, अल्फा यहाँ पर हमने क्या मान लिया टेन अल्फा, क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है टेन, टेन से निकल जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी, चलिए अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम ए वेक्टर ए को माइनस कर देंगे वेक्टर बी से, तो ऐसा सोचना आप लोग का गलत है। तो इसको हम क्या सोचते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो हमने बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में ये निगेटिव वेक्टर होता है, मतलब ये जो वेक्टर बी है अब इसका हम डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। जब डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो इसका डायग्राम देखिए अब कैसे बनेगा, इसको हम बने रहने देते हैं, ये किसके लिए है, फॉर वेक्टर ए प्लस बी के लिए है। अब यहां पर हम बनाते हैं फॉर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लिए क्या डायग्राम बन जाएगा, तो यहां पर देखिए ये वेक्टर बी ऊपर था, तो इस वेक्टर बी को हम क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे इस वेक्टर बी को हम इसी में बना देते हैं, इस वेक्टर बी को हम क्या करेंगे नीचे की तरफ ले आएंगे, और जब नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, और ये पहले क्या था प्लस वेक्टर बी था। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, जब ये डायरेक्शन साउथ हो गया अब देखिए तो ये भी क्या कर जाएगा, अब इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, तो इसका रिजल्टेंट हम बना लेते हैं। अब ये डायरेक्शन तो सेम रहने वाला वेक्टर ए का, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, और जब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा तो वेक्टर ए के साथ ये भी क्या बनाएगा हमेशा एंगल, ये भी अल्फा ही बनाएगा, और ये वेक्टर बी इक्वल टू 5 के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए, तो आप लोग फिर से यहाँ पर देख लीजिए ये क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फिर से सेम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, केवल और केवल निगेटिव क्या होगा डायरेक्शन ही, मतलब माइनस बी में क्या गया डायरेक्शन गया, और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वही 5 यूनिट ही रहेगा, और ये अगर 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन आपको क्या मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, तो वेक्टर आर फिर से क्या मिल जाएगा 5√2 units मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो जाए मैग्नीट्यूड वही रहना है। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन भी इसका क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम टेन अल्फा करेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 5/5 और 5/5 1 के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहां पर आंसर आप लोग लिख लीजिए, आंसर में क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किसके बराबर आ गया 5√2 units 45 डिग्री साउथ ईस्ट आ गया, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए हम बात करते हैं, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फिर इसके आगे कि मतलब दो चीजें, दो वेक्टर सम कब आपस में इक्वल होता है कब नहीं होता है, देखिए अब देखिए मान लीजिए ये कोई वेक्टर है,
आर इक्वल। अब टर्म्स कब इक्वल होते हैं, तो यहां पर ये देखना है। मान लिया ऐसे कोई आपसे पूछ लिया कि आपने वेक्टर पढ़ा है, तो आप लोग बोल देंगे हाँ। अगर बोल देंगे तो मान लीजिए कोई अगर आपसे ऐसे पूछता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आप लोग का आंसर होगा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। यहां पर रीजन देंगे बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज नॉट सेम। यहां पर वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम नहीं है। आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर जानना है तो हमने इन डिटेल पढ़ाया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उसमें हर एक प्रकार के टाइप्स ऑफ वेक्टर का इन डिटेल हमने बताया है विद एग्जांपल। अब दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ ले आपसे, मान लीजिए कोई ऐसे पूछ ले कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, क्या ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी? तो अभी आपने देखा कि वेक्टर ए प्लस बी का भी कितना आ रहा था मैग्नीट्यूड 5√2 यूनिट, और वेक्टर ए माइनस बी का भी मॉड कितना रहा था 5√2 यूनिट। इट मींस इट इज इक्वल बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड, मैग्नीट्यूड इज considered not direction because only magnitude is considered। अब फिर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए क्या ये वेक्टर r इस r डैश वेक्टर के बराबर हो सकता है? तो फिर से आप लोग का आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग वो फिगर याद करिए, ये फिगर कुछ ऐसे बना था, ये वेक्टर r कुछ इस डायरेक्शन में बना था, और जो दूसरा फिगर हमने बना था ये वेक्टर r कुछ इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट सेम। यहां पर डायरेक्शन सेम नहीं है, इसी वजह से ये वेक्टर r वेक्टर r डैश के बराबर नहीं होगा। और आखिरी चीज बताइए, क्या ये वेक्टर r इस मॉड ऑफ वेक्टर r डैश के बराबर हो जाएगा? तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया था? सेम आया था। तो यहां पर लिख देंगे only because only magnitude is considered। is considered। तो अब हमने बता दिया कि टर्म्स कब आपस में इक्वल होते हैं और कब टर्म्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं, एक नोट करके बात लिख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो हमने पीछे बताया था वो क्या था कि दिस इज ओनली हैपन, वो सारी चीजें तभी होंगी व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपका वेक्टर ए परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर बी के। अब इसके बाद हम लोग, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगन क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होगा कि पॉलीगन क्या होता है। जो मैथ वाले बच्चों में उनको सभी को पता होगा, अभी आप लोग क्लास 10th पास किए हैं तो आप लोग को और अच्छे से पता ही होगा। तो पॉलीगन ये होता है द फिगर विच हैज टू और मोर देन टू साइड्स इज कॉल्ड द पॉलीगन। इसका मतलब ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस सभी कुछ क्या है? पॉलीगन है। लेकिन स्पेशल नाम चार साइड वालों को स्पेशल नाम दिया गया है, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में सारे आ जाएंगे और ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और किस नाम से जाना भी जाता है, ये हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड। अब हेड टेल मेथड क्या होता है या फिर इसको हम क्या कहते हैं, तो आइए इन डिटेल अब जानते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो दो पहले लॉ आपने पढ़े ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ,
तो इट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ये क्या होता है? एक्सटेंशन होता है किसका? ट्रायंगल लॉ का। मतलब ट्रायंगल लॉ को और आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिफिनेशन जानते हैं। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर and then their resultant is represented both in magnitude direction by the closing side of a polygon by the closing side of a polygon taken in opposite order। तो ये इसका definition हो जाएगा। और बहुत सारे डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन ये उन सभी बुक्स में से एग्जैक्ट डिफिनेशन हमने लिखा है। क्या कि अगर मान लीजिए बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, किससे? बाय द साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन। मतलब ये सारे साइड तो हैं लेकिन एक ओपन पॉलीगन है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया, जो उस पॉलीगन को क्लोज करेगा, और वो पॉलीगन कैसे लिया जाएगा? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब आइए हम बात कर लेते हैं विद फिगर। फिगर से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि कोई वेक्टर आपको दिया गया, मान लीजिए कोई वेक्टर दिया गया ए, यहां से कोई वेक्टर दिया गया बी, यहां से कोई वेक्टर दिया गया सी, और यहां से कोई वेक्टर दिया गया टी। तो अब आपको कहा जाएगा कि ये हमने बताया केवल दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका। मान लीजिए यहां पर इतने सारे वेक्टर दिए गए, तो आइए जल्दी से हम इसका फिगर देखते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर ए, और ये हो जाएगा वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर सी, और ये हो जाएगा वेक्टर डी। अब हमें बनाना है एक रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम यहीं से बना देंगे और यहाँ पर लाके ज्वाइन कर देंगे, और ये क्या कहलाएगा? वेक्टर आर कहलाएगा। अब यहाँ से इसको नाम दे दीजिए ओ पी क्यू एस, ठीक, ऐसे नाम दे दीजिए। अब मान लीजिए इस वेक्टर को हमने ऐसे यहाँ से एक रिजल्टेंट निकाल के ऐसे ज्वाइन कर दिया, और कोई आपसे आए पूछ ले कि ओक्यू वेक्टर क्या है, तो आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं ओक्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका उपयोग कहाँ लगेगा? एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने में। जब आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो वहां पर एसोसिएटिव लॉ दिया होगा, और उस लॉ में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। और फिर मान लीजिए किसी ओ को एस से भी ज्वाइन कर दिया गया, अब पूछा गया कि ओ एस किसके बराबर है, ओ एस वेक्टर, तो ओ एस वेक्टर आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ए बी और सी तीन वेक्टर के सम के इक्वल हो जाएगा। अब कोई आपसे आके अगर ये पूछ ले कि वेक्टर आर आपका किसके बराबर है, जो आपने फाइनल वेक्टर बनाया, तो वो वेक्टर डी के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द पॉलीगन। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को
वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और भी अच्छे अच्छे लेक्चर अभी हम बना रहे हैं और उसको अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों का इस वीडियो लेक्चर से कोई भी प्रश्न है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।